हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं अर्जुन सिंह सोंधव आपका स्वागत करता हूँ स्टडी अड्डा के ऐप पर, और साथ ही मैं हमारे दोस्तों का जो कि यूट्यूब चैनल पर SIS देवास पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो द रोल ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ रहे हैं बच्चों। अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है डेवलपमेंट में, डेमोक्रेसी में और हेल्थ में, ये हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हेल्थ में सरकार किस प्रकार से योगदान देती है। कहाँ तक पढ़ा था हमने? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पढ़ ली थी हमने। द कोस्टा रिका अप्रोच, ठीक है, केरला के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, यहां से हमें पढ़ना है आई थिंक। ठीक है बच्चों, यहां तक पढ़ा था ना हमने, यहां तक डे बिफोर यस्टरडे हमने कंप्लीट किया था। अब हमें यहां से स्टार्ट करना है। तो आप में से कितने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं? से गुड आफ्टरनून, से हाय, से हेलो। तो एक बार पता चल जाए हमें कि हमारे कितने मित्र हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी क्लास के लिए वेटिंग कर रहे हैं। हाँ विधान जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। शुभांगी त्रिपाठी जी, शुभ जैन, सियोना पांडे, मयंक जी, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का वेलकम है। प्रतिभा, अनिकेत पटेल, सौम्या, सार्थक जी, चलिए लगभग लगभग हमारे सारे दोस्त आ चुके हैं जो हमारी डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, वो पधार चुके हैं। सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दी हेल्थ। सारांश तिवारी जी, आई एम फाइन बेटा, यू से तन्मय कुमार एंड अर्पित कुमार, हाय। मोहम्मद रेहान अहमद जी, गुड आफ्टरनून बच्चा। सारांश, याशिका, साहिल, सीमंत, सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। बिंदु जी हेलो, हाय, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो अब क्या कह रहा है हमारा पैराग्राफ, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। Despite this effort, however, some problems such as shortage of medicine, insufficient hospital beds, not enough doctor remained, and this needed to be addressed. तो more details visit, यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई, एक साइट है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। देखिए हम क्या बात कर रहे थे, केरला की। भाई केरला में सरकार ने क्या किया, इस केरला में सरकार के द्वारा जो भी फंड या जो भी टैक्स था उसका 40% उन्होंने पंचायत को देना स्टार्ट कर दिया। अब पंचायत ने किसके ऊपर खर्च करना स्टार्ट किया, तो पंचायत ने एजुकेशन ऑफ हेल्थ के ऊपर खर्च करना स्टार्ट किया। और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि वहाँ के लोगों की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो गई। साथ ही में एजुकेशन में भी आंगनवाड़ी और स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, और उसका नतीजा ये रहा कि लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो केरला वाला केस तो हम पढ़ ही चुके हैं। केरला कहाँ है? इंडिया के साउथ में, सभी ने केरला मैप में देखा होगा। आपको कभी मौका मिले कोरोना के बाद में तो पेरेंट्स के साथ में एक बार केरला घुमाइए, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ चारों स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो पूरे इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, और हमको घूमना चाहिए, जब भी मौका मिले हमें अलग अलग स्टेट में जाकर पता करना चाहिए कि लोग कैसे रहते हैं। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा ना कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से लोग कैसे रहते हैं, तो आपकी जानकारी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और साथ ही में आपके व्यवहार में भी इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि कभी कभी बच्चों को घमंड हो जाता है, यार मुझे सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि बच्चे को उस क्लास सबसे ज़्यादा पता आता है। जैसे ऑफलाइन क्लास की हम बात करें, अब ऑफलाइन क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो सारे प्रश्नों का आंसर जानता है तो उसको घमंड होने लग जाता है, यार आई नो एवरीथिंग। बट जब उस क्लास से बाहर निकलता है, उसका मुकाबला ऐसे बच्चे से होता है जिसको उससे ज़्यादा पता होता है, तब बच्चे के पांव जमीन पर आ जाते हैं कि यार नहीं, दुनिया में ऐसे बच्चे भी हैं जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। फिर हमें पैसे का घमंड होता है कि यार मैं अपने गांव में सबसे अमीर हूँ, अपने शहर में सबसे अमीर हूँ। फिर उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो उससे कहीं गुना ज़्यादा अमीर है, तो फिर उसके पाँव वापस ज़मीन पर पड़ने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें थोड़ा सा ह्यूमिलिटी, क्या बोलते हैं ना, ह्यूमिनिटी आती है। लोगों के संपर्क में हम आते हैं तो जानकारी हमारी बढ़ती है, और जानकारी कब बढ़ेगी, लोगों के संपर्क कब बढ़ेंगे, जब अपने घर से बाहर आप निकलेंगे। तो कोस्टा रिका अप्रोच है, क्या है ये अप्रोच, ये पढ़ लेते हैं हम। तो कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए जिसको हम बोलते हैं। साउथ अमेरिका में आपको कौन सा देश मिलेगा, अर्जेंटीना और ब्राजील, दोनों ही फुटबॉल की टॉप कंट्रीज है। अभी शायद
अमेरिका कप चल रहा है, कोका कप चल रहा है, कुछ नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कोपा कप चल रहा है, तो वहाँ पर साउथ अमेरिका। अब इन दोनों के बीच में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल अमेरिका। और सेंट्रल अमेरिका में से एक देश है जिसका नाम है कोस्टा रिका। अब कोस्टा रिका को हेल्दीएस्ट कंट्रीज माना गया है कि सबसे स्वस्थ देश है सेंट्रल अमेरिका का। तो द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? वहाँ का संविधान, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहाँ पर नियम और कानून लिखे हुए हो, जहाँ पर पहले से बता दिया गया हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोस्टा रिका इज द हेल्दीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका एंड द रीज़न बिहाइंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एनी आर्मी। अब क्या हुआ देखिए, थोड़ा पहले अगर हम चले तो सबसे बड़ा जो डिसीजन उन लोगों के द्वारा लिया गया वो कि उनकी आर्मी नहीं होगी, वो आर्मी नहीं रखेंगे। अब क्यों नहीं रखेंगे भैया, आर्मी क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आर्मी अगर नहीं होगी तो देश को डिफेंड कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा, मामला उलझ जाएगा। ठीक है अनवी जी, तो बिंदु जी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम? कोस्टा रिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोस्टा रिका के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोस्टा रिका सबसे हेल्दियर कंट्री क्यों है नॉर्थ अमेरिका का। उसके अलावा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं जानने की कि यार कोई देश कैसे हेल्दीएस्ट बनता है, कैसे वहाँ के लोग सारे स्वस्थ होते हैं। तो यहाँ पर हम कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीवर्धन अग्रवाल जी, अच्छा ये तो अनवी है अपनी। उसके बाद अच्छा, सार्थक अग्रवाल और श्रीधन अग्रवाल दोनों अलग अलग हैं। मोहम्मद रेहान जी, कुछ समस्या है क्या आपको? अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो मैंने वही बताया आपको भैया, वो आर्मी क्यों नहीं रखना चाहते, तो उसका पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आर्मी रखने के पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। तो इन्होंने डिसाइड किया है हम अपनी आर्मी न रखते हुए आर्मी पर खर्च होने वाला पैसा कहाँ पर खर्च करेंगे? तीन अलग अलग सेक्टर्स में। कौन कौन से वो तीन सेक्टर्स हैं? तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी पैसा आर्मी पर खर्च होता उसको हम आर्मी की बजाय हेल्थ पर खर्च करेंगे, हेल्थ के बाद में हम उसको एजुकेशन पर खर्च करेंगे, और एजुकेशन के बाद में हम उसको किस पर खर्च करेंगे? अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। बेसिक नीड्स का मतलब इसे वाटर, फूड, सिक्योरिटी, ये चीज़ें आती है। तो उन्होंने आर्मी न रखते हुए आर्मी पर खर्च होने वाला पैसा किस पर खर्च करना सोचा? हेल्थ पर, एजुकेशन पे एंड अदर बेसिक नीड्स पे। तो क्या हुआ? द कोस्टा रिका गवर्नमेंट, कोस्टा रिका गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। अब इसके पीछे सोच क्या थी? इन लोगों की सोच थी कि भाई किसी भी राष्ट्र का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, अगर वहाँ के लोग हेल्दी होंगे तो बाकी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से, अब खर्च को वो बचाना चाहते थे तो खर्च कहाँ पर खर्च करना चाहते थे? वो खर्च वो करना चाहते थे हेल्थ पर और एजुकेशन पर। हेल्थ उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी। हेल्थ क्यों थी प्रायोरिटी? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर लोग हेल्दी होंगे, थोड़े स्वस्थ होंगे, तो बाकी समस्याएं नहीं होंगी। इसीलिए वो आर्मी से बचा हुआ पैसा हेल्थ पर खर्च करना चाहते थे। तो द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट provides basic service and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitations and nutritions and housing. तो वहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें देना स्टार्ट करी लोगों को? देखिए सबसे पहले उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने का साफ और स्वच्छ पानी लोगों को उपलब्ध करवाया, सभी लोगों को। डजेंट मैटर कि कोई अमीर है कि कोई गरीब है, सभी लोगों को स्वच्छ, साफ और अच्छा पानी। दूसरा सैनिटेशन, साफ सफाई, मतलब पूरी तरीके से क्लीनलीनेस, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी। अच्छा भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हो, ये सरकार की जवाबदारी है। और लोगों को रहने के लिए घर, मतलब आपको घर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, घर कौन बना कर देगा? सरकार देगा। न्यूट्रिशंस कौन देगी? सरकार देगी। पीने के लिए पानी कौन उपलब्ध करवाएगा? सरकार करवाएगी। और आपके घर के आसपास ही सफाई का काम कौन करेगी? वो भी सरकार ही मैनेज करेगी। तो कुल मिलाकर हेल्थ एजुकेशन इज आल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट द हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। और उसके अलावा उन्होंने किस पर ध्यान दिया? उन्होंने हेल्थ पर दिया और हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन पर ध्यान दिया। तो कोस्टा रिका का हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ पर सरकार ने आर्मी पर पैसे खर्च करने की बजाय पैसे कहां खर्च करे? कुछ बेसिक नीड्स पर, जैसे कि पीने का पानी, अच्छा भोजन, रहने के लिए घर,
हेल्थ और एजुकेशन पर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आर्मी को ड्रॉप करते हुए उन्होंने ऐसी चीज़ों को रेज किया जो कि बाकी देशों के लिए यूनिक पॉइंट है। बहुत सारे देशों में अगर हम हमारे इंडिया की ही बात करें तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है आर्मी के ऊपर। अब सोचिए अगर आर्मी की ज़रूरत हमें नहीं होती, क्योंकि आर्मी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राष्ट्र मालूम है आपको, चाइना है, पाकिस्तान है, बहुत कुत्ते जैसी हरकत करते हैं। अगर आर्मी नहीं होती तो क्या होता आपको पता ही, एक बार चाइना हम पर अटैक कर चुका है, पाकिस्तान से हम 3 बार युद्ध लड़ चुके हैं। चाइना का अगर आपको ध्यान हो बच्चों, अगर आपको टीचर ने बताया हो क्लास में तो आपको अच्छे तरह से पता होगा कि 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है। फिर अगर आपको याद हो तो 1965 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने हम पर अटैक करा था। फिर 1971 पे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो कुल मिलाकर 2 बार हम पाकिस्तान से भिड़ चुके हैं। फिर एक और ईयर है जिसका जिक्र किया गया होगा आपकी बुक में, 1999 कारगिल वॉर, जिसमें हम पाकिस्तान से पंगा ले चुके हैं, पाकिस्तान की नाक घिसा चुके हैं ज़मीन के ऊपर। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान से अभी तक हमारे 3 युद्ध हो चुके हैं, एक बार हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, एक बार एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, चाइना से एक बार हमारा युद्ध हो चुका है, हमेशा टेंशन चलता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले ही चाइना के साथ में हमारा सीमा पर विवाद हुआ था। तो इन देशों को कंट्रोल करने के लिए, इनसे बचने के लिए हमारे पास आर्मी है, और आर्मी पर अच्छा खासा हमारा पैसा खर्च होता है। ये मान लीजिए आप पूरी इनकम का 20% एक्सपेंडिचर पर खर्च होता है, हथियार खरीदने में, सैनिकों की सैलरी में, वाहनों पे और बहुत सारी चीज़ों पर। अगर ये पैसा अगर बच जाता तो हम इसको कहाँ पर खर्च कर सकते थे, हेल्थ और एजुकेशन पर, क्योंकि अपने इंडिया में सबसे बड़ी समस्या हेल्थ है और एजुकेशन है। आपने पढ़ा ही, 2-3 केस हमने पढ़े, जिसमें अमन का केस पड़ा हमने, और हमारे पास हकीम शेख का केस था, इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। तो ऐसा ही कोस्टा रिका में करा गया, जिस विषय में मैं बात कर रहा हूँ कि कोस्टा रिका में उन्होंने क्या करा, आर्मी पर पैसा खर्च करने के बजाय किस पर खर्च करा, बेसिक नीड्स पर। और उसका फ़ायदा क्या रहा, उसका नतीजा क्या निकला, उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो हेल्थ थी वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई, उन लोगों की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। ठीक है बच्चों, आया आपको समझ में यहाँ तक, कोस्टा रिका कहाँ पर, सेंट्रल अमेरिका में। तो पहला प्रश्न आज आपसे पूछा जाता है बच्चों, पहला प्रश्न ये है कि ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट पे हैं? ब्राजील और अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में है, जल्दी से बताएं। आपका पहला प्रश्न है ब्राजील एंड अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट पे हैं? गलत 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 आंसर है विशाल जांगिड, आपका गलत आंसर बेटा। ब्राजील एंड अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट पे हैं? कौस्तुभ जोशी गलत आंसर, गलत आंसर। हाँ, शिवानी कश्यप का आंसर है सही, शिवानी ने आंसर दिया है, शिवानी कश्यप पहला आंसर दिया गया है शिवानी कश्यप के द्वारा। शिवानी कश्यप, और क्या है, साउथ अमेरिका। ठीक है, मैंने आपको 3 कॉन्टिनेंट का बताया था, पहला नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको 2 देशों के नाम बताए थे। नॉर्थ अमेरिका कौन कौन से देश है, वैसे तो 3 है, मेक्सिको भी आता है नॉर्थ अमेरिका में, कैनेडा आता है, और आता है अपना यूएसए। ठीक है, तो यूएसए का आपने काफ़ी बार जिक्र हुआ होगा आपके सामने क्लास टीचर ने, या और भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। फिर सेंट्रल अमेरिका की बात आती है, तो सेंट्रल में अभी हमने पढ़ा, सेंट्रल में कोस्टा रिका है। और साउथ अमेरिका में अगर हम बात करें तो 2 महत्वपूर्ण कंट्री है, दोनों ही फुटबॉल की फेमस, वर्ल्ड फेमस टीम है, एक है ब्राज़ील और एक अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना अर्जेंटीना का जो फुटबॉलर है, मालूम है कौन अर्जेंटीना का फेमस फुटबॉलर, मेसी, पुर्तगाल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना का मेसी, दोनों को बहुत कोई बच्चा जानता है। तो अर्जेंटीना के दोनों कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी डिस्कस्ड, देखिए, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दैट हेल्थ इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इलनेस। Look at this quote from the Constitution and explain the terms living standard and public health in your own word. तो आपको क्या करना है, आपको आपकी डायरी में, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको एक सेपरेट डायरी बनानी है SST की, और कोशिश करिएगा ऐसी डायरी बनाए आपकी 3-4 साल चले, जिसमें आप 8th, 9th और 10th के भी नोट्स लिख सकें,
सेवन्थ के नोट्स उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ये डायरी आपको क्लास के पर्पज़ से ना बनाते हुए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज़ से बनानी है। जब भी आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दें या किसी स्टेट की एग्ज़ाम दें या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो वो आपको लंबे समय तक काम देगी। जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा पूछा गया है, यार हेल्थ का मतलब इलनेस नहीं होता। ज़्यादातर लोग क्या मतलब निकालते हैं कि बीमार होना और बीमार होकर ठीक होना ही हेल्थ है, बट हेल्थ का ब्रॉडर मीनिंग है। मतलब हेल्थ बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेती है, जैसे कि अगर आप बीमार नहीं हो रहे हैं तो क्यों बीमार नहीं हो रहे हैं, बीमारी से बचने के क्या क्या उपाय हैं, और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो क्या इलाज होगा, कहां पर इलाज होगा, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हेल्थ में आती है। तो ये आपको डिस्कस करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल, डिस्कस। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ, मैंने आपसे ये पूछा भी था अलर्टनेस मार्क्स के दौरान, तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं डायरी में चाहें तो। क्या भैया, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, किस किस तरीके के माध्यम से सरकार अगर चाहे तो लोगों को अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा सकती है, सरकार को क्या करना चाहिए, व्हाट स्टेप शुड गवर्नमेंट टेक। यहाँ पर क्या दिया गया है, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो ये बहुत सही बात कही गई है कि सरकार की जवाबदारी, अगर किसी जगह पर रहने वाले लोग बीमार होते हैं तो उनको बीमारी से बचाने का किसका काम है, सरकार का। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब कैसे बीमारी से बचाया जा सकता है, तो हम दो तीन चीज़ें डिस्कस की थी चैप्टर के दौरान, कि उनको साफ पानी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाएं, न्यूट्रिशन वाला फूड अवेलेबल करवाएं, साफ हवा उपलब्ध करवाएं, तो लोग बीमार नहीं होंगे। अगर लोग बीमार नहीं होंगे तो किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू होगा ही नहीं। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस इन योर एरिया, यूज़ द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दिस। आप बताइए कि आपके एरिया में प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर बताइए, फैसिलिटीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है और पब्लिक में होती नहीं होती। अफोर्डेबिलिटी प्राइवेट में होती है क्या, आई थिंक नो। यहाँ पर होती है क्या, हाँ। अवेलेबिलिटी बेड की हमेशा होती है, प्राइवेट में तो कभी भी चले जाओ आप, पर यहाँ पर पब्लिक में आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी अगर देखा जाए तो इसकी बढ़िया होती है, इसकी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आपको मैंने यहाँ पर है टिक के माध्यम से समझाया है, आपको लिखना है, आपको यहाँ पर वर्ड के माध्यम से लिखना है। आप अच्छे से लिख सकते हैं जो भी आपको लगता है, क्योंकि आप अपने एरिया की बात बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर सरकारी हॉस्पिटल इतने अच्छे नहीं हैं, कुछ ऐसे शहर भी हैं जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छे हैं, और उन्हीं में से एक इंदौर है। इंदौर में कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो शायद मेरा आंसर डिफरेंट होगा जिससे आप सोच रहे हैं उससे। तो आप अपने एरिया में थोड़ा सा सर्च करिए, थोड़ा सा पता लगाइए, फिर अपनी डायरी में एंट्री करिएगा। Improvement in water and sanitation can control many diseases. Explain with the help of example. मैंने आपसे पूछा था अलर्टनेस मार्क्स के दौरान कि कौन कौन सी बीमारियां दूषित पानी पीने की वजह से होती है, बस उन्हीं का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना है कि अगर आप दूषित पानी लेंगे, गंदा पानी पियेंगे तो आपको बीमारियाँ हो सकती है, इनसे बचने का उपाय। ग्लोसरी है, देखिए पब्लिक का मतलब क्या होता है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, मेडिकल टूरिस्ट का मतलब क्या होता है, केबल डिजीज़ का मतलब क्या होता है, ओपीडी का मतलब क्या होता है, एथिक्स का क्या मतलब होता है, और जेनेरिक नेम्स क्या होते हैं। देखिए पब्लिक का मतलब क्या होता है, जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जहाँ पर जनता टैक्स का पैसा पे करती है और बदले में उसको कोई सुविधा दी जाती है, उसे पब्लिक बोलते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर किसी एक इंसान या किसी संस्था का हक होता है, आपको वहाँ पर पैसा देना है, आपको किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं रहता, उनकी मर्जी के हिसाब से सारा काम होता है, वो प्राइवेट होता है। मेडिकल टूरिस्ट, जो इंसान अपने यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है, कुछ समय के लिए इलाज करवाता है और इलाज करने के बाद में वापस ठीक होने के बाद में अपने देश चला जाता है, उसे मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं, जैसे हम घूमने के लिए कहीं पर जाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब कोरोना आपने देखा ही होगा, भाई जहाँ पर हम किसी एक से बात करते हैं तो उसे कम्युनिकेट करना बोलते हैं, तो उसी प्रकार एक के संपर्क में आने के बाद में दूसरे को बीमारी लग जाती है तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। ओपीडी का मतलब क्या होता है, तो ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होगा, जहाँ पर लोगों को आया लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, मतलब सबसे पहले जहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे ओपीडी कहा जाता है। एथिक्स का मतलब क्या होता है, तो एथिक्स का मतलब होता है बिहेव, मतलब मॉरल प्रिंसिपल, जहाँ पर इंसान को बताया जाता है दूसरों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना है, वो एथिक्स होंगे कि तुम्हारे यही एथिक्स है, समझ गए आप। जेनरिक नेम्स, दीज आर केमिकल नेम्स ऑफ द ड्रग्स, पे किसी भी ड्रग्स के केमिकल नेम, जहाँ पर ये पता चलता है कि कौन कौन से केमिकल्स को मिलाकर इस दवाई का बनाया गया है, इस दवाई का आविष्कार किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब कल हम ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप लोगों से
रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आपके आस पड़ोस वाले लोगों को बता दीजिएगा कि वो ज्वाइन कर ले। हम ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से बच्चों। अब आपसे दूसरा और तीसरा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे बच्चा हम। आपकी कुछ सलाह, आपकी कुछ राय, एनी सजेशन गिवन बाय यू, आप कुछ चाहते हो तो बता दीजिएगा। हालांकि फाइनल डिसीजन तो मेरे हाथ में ही रहेगा। जल्दी से, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है जहाँ पर हम उसको अफोर्ड कर पाएँ, उसकी प्राइजेस इतनी ज़्यादा ना हाई हो कि हर कोई उसको यूज़ ना कर पाए। कुछ चीज़ें क्या चीप होती है, कुछ काफ़ी कॉस्टली होती है। हाँ, तो अफोर्ड का मतलब जो अफोर्डेबल हो, जिसको हम सहन कर सके, जिसके पैसे हम दे सके। चलिए दूसरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए मुझे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी। विनीत विनायक जी, आज आपने ज्वाइन किया, अच्छी बात है भैया, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे ऐप पे। अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, सीओना पांडे, कौस्तुभ जोशी, शिवानी कश्यप, है ना। शिवानी कश्यप तो आंसर दे चुकी है, तो शिवानी को तो मिलेगा नहीं ये आंसर। कौस्तुभ जोशी को आंसर जाता है दूसरा, कौस्तुभ जोशी। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछ लिया जाए अब। आरोही वर्मा ने भी आंसर दिया था, अच्छी बात है आरोही जी, वेल ट्राई। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरे प्रश्न का जवाब कौन देता है। I gave the first, बेटा मैंने यार स्टेडेडा से देखा आंसर, ये आंसर सबसे पहले स्टेडेडा से आया है। वैष्णवी ने दिया था यार, थोड़ा सा लेट हो गए हमारी बहन, वरना टॉप कर जाती। कोई बात नहीं वैष्णवी जी, हार नहीं मानते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तीसरे प्रश्न का कौन जवाब देगा। कोस्टा रिका ने अपना पैसा बचाकर बेसिक नीड्स पर खर्च करा, तो उन्होंने पैसा कहाँ से बचाया था, मतलब जो पैसा उनके पास था बाकी की चीज़ों पर खर्च करने के लिए, वो कौन सी, क्या कह सकते हैं, टर्म कह सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट कह सकते हैं, जिससे पैसा बचाकर उन्होंने खर्च किया। तो नेम दैट डिपार्टमेंट फ्रॉम दे सेव्ड द मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स। जल्दी से नाम बताइए उसका। चलो देखते हैं वैष्णवी जी, आप कौन आंसर देता है। आ चुके हैं आंसर, सुनीता जांगड़ और मोहम्मद रेहान। तो सुनीता और मोहम्मद रेहान को आंसर जाता है तीसरा, सुनीता जांगड़ और मोहम्मद रेहान अहमद, मोहम्मद रेहान अहमद। चलिए बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल आपसे नए चैप्टर के साथ में। बाय।